डेफिनेटली वॉज, बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से खेला गया था वहाँ पर उस पूरी सिचुएशन में अगर बात करी जाए। बट अभी के लिए एनिग्मा के ऊपर हम लोग वापस आते हैं। देखिए सर्कल है इनके पास, ज़्यादा मैं बोलूँगा पास भी नहीं है, आई मीन जस्ट सर्कल इनके थोड़ा सा पीछे से ही ख़त्म होता है, तो इनको आगे की तरफ तो हटना पड़ेगा। ये जो सर्कल बना हुआ ऐसा लगता है कि नो फार्म से लेकर के मिल्टा के अराउंड थोड़ा बहुत बनता हुआ नज़र आ सकता है, तो उस एरिया के अराउंड ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनना शुरू हो चुका है। उस एक एरिया में मुझे निग्मा गैलेक्सी इनसेन एक्सो 8-bit रेवेनेंट फार्म से लेकर के मिल्टा तक दिखाई दे रही है। बस यहाँ पैनकेक की तरफ टीम एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स ऑलवेज दे वांटेड टू टेक डाउन ब्लाइंड, बट काफी ज्यादा दूर थे। मैक्स का के शॉट नॉट दैट प्रिसाइज, काफी ज्यादा डिस्टेंस भी था। अफसोस वो नॉक्स तो निकाल नहीं पाए, बट दे कैन सी द मूवमेंट डन। दलजीत उनके पास 416 है और उन्होंने कोशिश करी गाड़ियों में डैमेज, अभी तक किसी प्लेयर को वो छू नहीं पाए। जेडी आखिरी में यूएस लेकर रोटेट कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, बट यूएस काफी ज्यादा बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर प्लेयर मॉडल भी विजिबल होता है, आसान नहीं था। बट ब्लाइंड थैंक गॉड सेफली इस हर्डल को क्रॉस कर चुके, बिकॉज लास्ट गेम के अंदर टीम एनिग्मा फॉरएवर वाज नॉट इन अ मूड टू फॉरगिव एनीवन। गॉडल अब प्रॉब्लम में आएगी, जो ब्लू जोन है उनको क्रॉस करने वाला है, और धीरे धीरे कर उनके जो मेडिक्स हैं ब्लू जोन पे इन्वेस्ट होंगे। बाकी सारी टीम धीरे धीरे सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाते हुए, स्कारलेट एंड सोल इनके बीच में कम, बहुत ज्यादा बोल सकते हो कम फासला है, और कुछ क्षणों में शायद यहाँ पे फाइट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसे कि आपने गॉडल की बात करी, ठीक है बढ़िया है कि उनको अभी सर्कल में जाना है, हर एक चीज़ वो कर भी लेंगे, बट अगर किसी टीम को सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को ऊपर उठना है वो यही हो सकता है कि अगर गॉडलाइक जल्दी एलिमिनेट हो, अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली बाकी टीमें तो अपना कोशिश करें, बट गॉडलाइक भी तो पॉइंट्स बटोर रही है, एंड गॉडलाइक आज जिस तरीके से पॉइंट्स बटोर रही है ना, काबिले तारीफ है, लाजवाब है। अब देखना यह है कि आगे कितना जा सकते हैं रूइंस के एरियाज के आसपास स्काईलाइट्स के खिलाड़ी। अभी के लिए स्काईलाइट्स को एग्जैक्ट एक प्रॉपर ड्रॉप नहीं मिला, बहुत डायनेमिकली खेले हैं, सो लेट्स सी। जिन टीम्स के ड्रॉप कंफर्म नहीं होती है उन्होंने रोटेशन पे बहुत काम कर रखी होती है, बट इस वक्त जो हॉटस्पॉट है दैट इज नोवा रिपनॉय पे काफ़ी सारी ज़्यादा टीम इन्वेस्ट करना चाहती हैं। एंड ये देखे ना जो ब्रिज है आसपास पूरा स्टैक्ड अप है, आपको 100 मीटर में भी आपको दो दो टीम दिख जाएंगे, बट ओजी ड्रेगर ये टीम हमेशा आपको इसी ब्रिज के इस पेट्रोल पंप पे देखती है और यहाँ पर होल्ड बैक करती है, और काफ़ी क्रेजी फाइट्स इन्होंने यहाँ पर रह के एग्जीक्यूट भी करी है और जीते भी हैं। बट केमिन ईस्पोर्ट्स विल बी द टीम जो अब ओजी के अगेंस्ट जाने वाले 1v1। गुड पार्ट इज केमिन ने एक अच्छा पोजिशन होल्ड कर रखा, बट जब वो ब्रिज से क्रॉस करेंगे दे विल बी क्वाइट एन ऑफ गार्ड पोजिशन, दे विल बी पेइंग अ लॉट अगर ऑफ गार्ड पकड़े गए ओशन। ये मैप का आप देखिए फार्म से लेकर के मिल्टा का क्लस्टर कितना बड़ा है, सर्कल फार्म की साइड को जाता नजर आया, मतलब एनिग्मा जो धीरे धीरे लिपोवका से बिल्कुल पीछे आई थी उनको शायद प्रिजन की साइड से घूम करके क्रॉस रोड्स पहुंचना पड़े। ये उनका एक स्ट्रैटेजी बन सकता है, क्योंकि अगर ये लोग और नीचे से गए मुझे नहीं लगता कि ये ईजिली पहुंच पाएंगे। बट जो दूसरे ब्रिज की फाइट है, जो जैसे कि आपने केमिन और ओजी की बात करी, ओजी भी वो एरिया छोड़ करके पहले जोन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन। ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी भी स्नैप वगैरह में नजर आ रही है, लेकिन ओआर के ऊपर हो रही है दिक्कत अभी भी। सोल अक्षत बिल्कुल साइड से गए थे, जली केश भी बहुत ज्यादा काम है, इस समय जली को सर्वाइव करना पड़ेगा, और उनके टीममेट्स भी बिल्कुल सामने